गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो क्लास हुई थी अपनी, उसमें अपन लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैं आपको आज काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जो जिन चीज़ों से आप आज तक अनजान थे। और अभी आप 10th क्लास में हो गए हैं, तो 10th क्लास में आपको ये चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके बाद में अगले साल आपका सब्जेक्ट चेंज होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का एक बहुत ही मतलब उम्दा तरीके से एक वो डेफिनेशन और उसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो उस इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए पहले हम बात करेंगे जो हमने पोटेंशियल की बात की थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो हमने बात की थी उसको थोड़ा समझेंगे, क्योंकि उसी चीज़ का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। कैसे, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन। हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे आपके पास में कोई मेटल की रोड है, अगर आप उसको गर्म करते हो तो जो गर्म वाला हिस्सा है, जैसे मान लीजिए आग जल रही है और मेरे पास में ये मेटल की रोड है, मैंने इस साइड से इसको गर्म करना शुरू किया, इस साइड से मैंने इसको आग में नहीं डाला, इस साइड से डाला, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये हीट को अब्जॉर्ब करेगा और इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और फिर इस एंड से, रोड के इस एंड से इस एंड की ओर टेम्परेचर फ्लो होता है। मतलब धीरे धीरे हमें इधर से भी ये गर्म लगने लग जाएगा, मतलब हॉट लगने लग जाएगा। उसका रीज़न ये है कि टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो हो रहा है। पॉइंट कीजिएगा इस चीज़ को, जो कि मैंने यहाँ पर समझाया है आपको। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कंडीशन फॉर फ्लो ट्रांसफ़र ऑफ और कंडीशन फॉर कंटिन्यूस फ्लो, यहाँ पे लिखा है मैंने। इसमें क्या होता है, जैसे मैं टेम्परेचर डिफरेंस को बता रहा हूँ आपको यही एग्जांपल लेके, तो हाई टेम्परेचर बॉडी ए से हीट ट्रांसफ़र होती है लो टेम्परेचर बॉडी बी में। किसमें होती है, लो टेम्परेचर बॉडी बी में, जैसा कि अभी एग्जाम्पल में हमने देखा। इसमें क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी मेनटेन्ड, टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो शुड बी मेनटेन्ड होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड जो एग्जांपल है उसमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में जो वाटर की सप्लाई है, पानी की जो सप्लाई आ रही है, उस सप्लाई को हम लोग देखते हैं कि हमारे जो गांव है या जो हमारा जो शहर है या हमारा जो कस्बा है, उसमें एक हाइट के ऊपर एक वाटर टैंक बनाया जाता है, और उस हाइट वाले वाटर टैंक से हमारे घरों तक पाइपलाइन डाल दी जाती है, और उस पाइपलाइन से हमारे घरों में पानी आता है। जैसे ही हम उस हाइट को बढ़ाते हैं, मतलब वाटर टैंक की हाइट को हम बढ़ाते हैं, तो उसके अंदर जो स्टोर्ड वाटर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, मतलब हाई पोटेंशियल एनर्जी पे वो आ जाता है। उसके बाद में जैसे ही हम वहाँ से किसी वाल का यूज करके पानी को वहाँ से फ्लो करवाना शुरू करते हैं, तो हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वहाँ पर भी हमने एक टैंक बना रखा है छोटा सा, वो टैंक लो पोटेंशियल वाला है क्योंकि उसकी हाइट बिल्कुल कम है। यहाँ तक कि हम ज़मीन में भी टैंक बना लेते हैं, वो इसीलिए बनाते हैं कि हाई से लो की तरफ पानी का फ्लो होता है, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की ओर, जिसकी वजह से प्रेशर बनता है पानी में। क्या बनता है, प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। उस डायग्राम को मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए बनाया है, देखिए यहाँ पर ये है प्रेशर डिफरेंस। इस प्रेशर डिफरेंस में देखिए, ये हाई प्रेशर का एक टैंक है पानी का, इसमें से पानी ऐसे फ्लो होता है, ये एक पंप बनाया हमने, ये लो प्रेशर टैंक है जो हम घरों में रखते हैं, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल बताया, इस तरीके से फ्लो होता है। प्रेशर डिफरेंस इज मेंटेन्ड बाय ए पंप, इसका जो प्रेशर डिफरेंस है वो हम मेंटेन करते हैं एक पंप के थ्रू, ये वाला हमारा सिस्टम होता है। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज का जो फ्लो होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और चार्ज का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रिक करंट में कैसे हम कंसीडर करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसके अंदर हम एक डायग्राम को कंसीडर करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हमें एक हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए सपोज कीजिए कि मेरे पास में एक स्फीयर है, ए स्फीयर और दूसरा एक और स्फीयर है बी स्फीयर, दो स्फीयर है मेरे पास में, इसको मैंने हाई पोटेंशियल, मतलब
हाई पोटेंशियल पे इसको मैंने चार्ज स्टोर किया है, मतलब स्टोरेज इतना ज़्यादा है इसका कि इस पर हाई पोटेंशियल आ गया। ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड बना दिया हमने यहाँ पे, ये क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है मेरे पास में, ठीक है। अब ये दूसरा एक और मेरे पास में स्फेयर है, इसको भी मैंने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया है। ये लीजिए इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसका भी इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है। अब इन दोनों को, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज जो स्फेयर है वो लो पोटेंशियल का है और पॉजिटिवली चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल का है। अब यहाँ से हमने एक वायर लगाया, ऐसे मेटल वायर, दोनों को कनेक्ट कर दिया मेटल वायर से। तो इस मेटल वायर से कनेक्ट करने के बाद में क्या होगा, देखिए ये हाई पोटेंशियल हमने लिखा यहाँ पे, हाई पोटेंशियल चार्ज स्फेयर है और ये लो पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल चार्ज्ड स्फेयर। अब यहां से नेगेटिवली चार्ज जो आपका स्फेयर है बी स्फेयर, इससे इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पे बाहर नहीं निकलेंगे, इसके अंदर ही रहेंगे ये, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, इस वजह से उनका मोशन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उनके मोशन के लिए, जबकि ये उससे बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं तो इनका मोशन हम कंसिडर करते हैं। अब ये क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस मेटेलिक वायर के अंदर से ऐसे मोशन करने लग जाएंगे इस तरीके से। तो जैसे जैसे ये मोशन करेंगे इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन में ओपोजिट डायरेक्शन में क्या क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, मतलब इस मेटल के वायर में से हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर करंट का फ्लो होगा, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और वो क्या है, वो इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज में चार्ज पार्टिकल किसको लिया गया है, इलेक्ट्रॉन्स को लिया गया है, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है पर सेकंड में, मतलब यूनिट टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जो कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। अब देखिए इसी चीज़ को मैं और थोड़ा और अच्छे से आपको एक सर्किट डायग्राम बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट जो डायग्राम है मेरा वो मैं बनाता हूँ यहाँ पे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने एक बैटरी ली इस तरीके से, मान लीजिए ये एक बैटरी है आपकी, इसके दो पार्ट बनाए मैंने, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया इस तरीके से, एक बल्ब लगा दिया है, ये मेरा एक बल्ब है ऐसे, और इसको नीचे लेके आया मैं, कनेक्टिंग वायर है ये, और इस कनेक्टिंग वायर से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ लेके आया और यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया ऐसे, इस तरीके से एक स्विच लगाया है यहाँ पे, ये मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से, करंट का जो फ्लो है वो मैंने अभी बताया कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, और हाई पोटेंशियल हम पॉजिटिव एंड को लेते हैं, जैसे कि उस डायग्राम में भी हमने लिया था। तो ये हाई पोटेंशियल है, तो यहाँ से करंट का फ्लो होगा, इसका मतलब यहाँ से देखिए आप, ऐसे करंट का फ्लो होगा इस तरीके से, ये आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट आएगा। अगर ये टर्मिनल जुड़ा हुआ है तो क्लोज की बोली जाती है, और करंट इसमें से फ्लो होगा और ऐसे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे होगा करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से, और बल्ब जो है वो आपका जलने लग जाएगा, वो हमें बिल्कुल लाइट देने लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर से घूम के जा रहे हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब को दे रहे हैं, जिसकी वजह से बल्ब जो है वो यहाँ पे जलने लग जाता है, उससे हमें लाइट मिलने लग जाती है। अब देखिए इसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले लिया, किसका पार्ट है ये एक कनेक्टिंग वायर है जो कि मेटल का वायर है, और मेटल ही कंडक्टर्स होते हैं, ये लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। मान लीजिए कि एक छोटा सा वायर लिया हमने, एक छोटा सा टुकड़ा है,
इसको मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, जैसे मान लो मैं इसको बड़ा दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूँ इस तरीके से, ये है इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये मेटेलिक वायर है और मेटल कंडक्टर्स होते हैं और कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास में। अब देखिए जो डायग्राम अभी हमने देखा था जस्ट इससे पहले, उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, किस तरफ जाते हैं, हाई पोटेंशियल की तरफ, जैसे स्फेयर ए में बी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो फ्लो है वो हाई पोटेंशियल कौन सी साइड में है, ये साइड है, तो यहाँ से ऐसे होगा इनका फ्लो, तो इसमें दिखाएंगे तो इनका फ्लो ऐसे दिखाएंगे हम लोग, जैसे मैं इसको एंड दे देता हूँ एक्स वाई, ये वाई एंड है और ये एक्स एंड है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो कैसा होगा आपका, एक्स टू वाई होगा, एक्स टू वाई, ये है, ये हमारे करंट का सिस्टम होता है फ्लो होने का। अब इसके साथ एक छोटी सी चीज़ और आती है कॉन्सेप्चुअल, वो क्या आती है, अगर हमने इसके ऊपर बैटरी नहीं लगाई, मतलब हमने स्विच ऑफ कर रखा है मान लीजिए, तो बल्ब भी नहीं जलेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा, उस केस में क्या होता है, उस केस के अंदर जो कंडक्टर होता है, जैसे ये कंडक्टर है आपका, ये लीजिए ये जो कंडक्टर है आपका, इस कंडक्टर में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दोनों ही पार्टिकल होते हैं, और वो इस तरीके से होते हैं, इसमें जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये इस तरीके से हमारे पास नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के अंदर होते हैं, जो फ्री रहते हैं, बिल्कुल फ्री, ऐसे हमने बनाए ये इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐसे। तो इस केस में जब हमने इसके ऊपर कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है, ना इस एंड को हमने बैटरी से जोड़ा है, ना इस एंड को, दोनों में से कोई एंड नहीं जुड़ा है, दैट मीन्स ये आइसोलेटेड है, उस केस में क्या होता है, उस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज कैरी का वर्क करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज को कैरी करने के लिए, ये जिगजैग मोशन करते हैं, इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये यहाँ आ गया, ये इसके पास चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, इस तरीके से रैंडमली मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। जैसे ही इसके एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक उसी टाइम क्या होता है, ठीक उसी टाइम हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस तरीके से इस फॉर्म में आ जाते हैं, और एक एक पर्टिकुलर एंड से दूसरे पर्टिकुलर एंड की तरफ एक लीनियर रेक्टिलीनियर मोशन करने लग जाते हैं। ये होती है हमारे इलेक्ट्रिक करंट की जो सिस्टम है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को हम समझा सकते हैं कि वो कैसे फ्लो होता है। अब मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, और डेफिनेशन में क्या है वो आप देखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की, मैंने आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब हम इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन की बात करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है इस तरीके से, जिसकी लेंथ है आपके पास में L, कितनी लेंथ है L, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने यहाँ पे एक सेगमेंट ले लिया, सपोज कीजिए ये जो सेगमेंट है इसके अंदर से पास होने वाला चार्ज डेल्टा क्यू है, और वो कितने टाइम में पास हो रहा है, वो डेल्टा टी टाइम में पास हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर से पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स इसको यूनिट टाइम ले लेते हैं हम लोग, यूनिट टाइम का मतलब वन सेकेंड, वन सेकेंड में पास होने वाले करंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, अगर करंट के सिंबल को हम आई से लें तो आई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ये हमारा एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा। इसी के रेस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बनाई है, जिसको आप ऊपर देख सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको हमने ये लिया यहाँ पे, इज द अमाउंट ऑफ नेट चार्ज फ्लोविंग थ्रू इट, नेट चार्ज कितना फ्लो किया है हमने यहाँ पे डेल्टा क्यू, इट पर सेकेंड, पर सेकेंड मतलब डेल्टा टी के लिए, तो हमारा करंट क्या निकल के आएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये हमारे लिए फॉर्मूला है यहाँ पे, देखिए इस तरीके से हमने इसको ऐसे डिनोट कर दिया है। अब अगर इसको सिंबॉलिक तरीके से हम डिनोट करें, देखिए यहाँ पे सिंबल बनाएं, तो सिंबल के लिए इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है उसको हम आई लिखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल होता है उसको हम क्यू लिखते हैं, और टाइम को हम टी से डिनोट करें, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, इसको हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए फॉर्मूला है, और एक इक्वेशन हमने इसको दी है।
अब इसके बाद में हम लोग जब आगे चलें, तो अगर मैं आपको एक कंडीशन यहाँ पे लगाऊँ, जैसे मैंने बोला इफ़, कोई कंडीशन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इफ़ q इज इक्वल्स टू, q क्या है चार्ज, q इज इक्वल्स टू 1 कूलम, 1 कूलम कूलम चार्ज की यूनिट है और 1 यूनिट चार्ज लिया हमने, एंड t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, टाइम भी हमने यूनिट ले लिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिए I इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 t, मतलब 1 सेकेंड, सेकेंड लिख देते हैं इसको, 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/1 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, दैट मीन्स 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगी देखिए, एम्पियर क्या है, एम्पियर यूनिट ऑफ द करंट, एम्पियर क्या है, यूनिट ऑफ द करंट, देखिए यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे हमारे, बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट थे, जिन्होंने करंट के बारे में और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में काफ़ी रिसर्च किया, उनके रेस्पेक्ट में यहाँ पे ये यूनिट बनाई गई है, इसलिए इस ये किसी का नाम है, इस वजह से इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, इसीलिए हमने इसको सिंबल के रूप में यूज़ लिया है यहाँ पे। तो अभी मैं बता रहा था आपको, I इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर बन गया आपका। इस 1 एम्पियर को हम डिफाइन कैसे करेंगे वो देखिए आप, इस 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, देखिए आप, करंट, सॉरी 1 एम्पियर करंट, एम्पियर करंट की डेफिनेशन मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, जिसको हम बता सकते हैं करंट फ्लो, करंट फ्लोविंग थ्रू वायर, वायर और मेटल, मेटल भी ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेटल ही कंडक्टर होता है जो करंट को पास करने में केपेबल होता है। वायर इज सैड टू बी, इज सैड टू बी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड, इट इन 1 सेकेंड, ये आपके 1 एम्पियर की डेफिनेशन आ गई, जो यहाँ से निकल के आई है, इस इक्वेशन से निकल के आई है। इस तरीके से आप 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो केस है उसमें हम बताएंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की जो डायरेक्शन है उसकी बात करेंगे कि करंट की डायरेक्शन किस साइड में होगी। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ये बात कर रहे हैं, तो सुनिए आप ध्यान से। डायरेक्शन ऑफ करंट को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। करंट का जो फ्लो होता है वो जस्ट लाइक वाटर फ्लो, जैसे पानी का फ्लो है वैसे ही करंट का फ्लो होता है। तो अभी जब हमने क्लास शुरू की थी तब मैंने आपको एक हायर प्रेशर वाले वाटर टैंक से लोअर प्रेशर वाले वाटर टैंक के अंदर पानी को फ्लो करके दिखाया था, वो इसी वजह से दिखाया था ताकि आपको पता रहे कि करंट का फ्लो कैसे होता है। उसके बाद में मैंने टेम्परेचर के बारे में भी आपको बताया कि टेम्परेचर हायर से लो की लोअर की ओर ट्रांसफ़र होता है, ठीक वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगी। मतलब करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर करंट की डायरेक्शन होगी। अब वो सर्किट पे डिपेंड करता है कि उस सर्किट में हायर पोटेंशियल कौन सी साइड में है और लोअर पोटेंशियल कौन सी साइड में है, तो इस चीज को भी हमें याद रखना है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद अगर हम बात करें करंट की, एम्पियर हो गया ये, ठीक है, ये इसको एम्पियर को हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड को, कूलाम पर सेकेंड इज इक्वल्स टू एम्पियर, ये इसकी यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट। डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, अब एक चीज और है, वो क्या है वो सुनिए। करंट के पास पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती कभी भी, कभी तो वो रिवर्स मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन न होने की वजह से हम उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बता सकते, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जो है उसके पास में एक फिक्स डायरेक्शन होती है, वो चेंज नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो फर्दर जो क्लासेज होंगी आपकी 11th 12th BSc वगैरह है या फिर अदर कोई क्लास है हायर क्लासेज,
उसके अंदर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसलिए करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन सिर्फ उसकी पोटेंशियल से डिफाइन होती है और किसी चीज़ से डिफाइन नहीं होती, इसलिए हम उसको स्केलर क्वांटिटी में कंसिडर करते हैं। तो आज की क्लास के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो हम बात करेंगे उसमें मैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताऊंगा और उस इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होने वाले सिंबल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है? तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, वीडियो को रिवाइंड करके देखें तो दोबारा अच्छे से समझ में आएगा, नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी, हैव ए नाइस डे।